हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका मेरे चैनल अंजलीज वर्ल्ड में। आज मैं बनाने वाली हूं दिवाली स्पेशल स्वीट्स की रेसिपी। हम बनाने वाले हैं आज चंद्रकला। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। तो ये 2 कप मैदा मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके साथ ही हम डालेंगे 4 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप डालें। 1/4 कप रिफाइंड ऑयल मैंने इसमें डाला है। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, ये अच्छे से इस तरह से ये बंध रहा है। इसका मतलब कि इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमें टाइट ही रखना है, सॉफ्ट नहीं बनाना है। तो ये देखिए, तो ये डो तैयार है। तो इसी तरह का डो हमें बनाना है, बिल्कुल टाइट, सॉफ्ट, बिल्कुल भी डो को ना रखें। अब हम इसे रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस में। अब हम चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और इसके साथ ही डालेंगे 1 कप पानी। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे केसर के धागे और 2 इलायची कुटी हुई। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो हमें 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस सभी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। और ये चाशनी बनकर तैयार है। गैस मैंने ऑफ कर दिया है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। चंद्रकला के फिलिंग के लिए मैंने लिया है ये मावा। ये घर का बना हुआ मावा है, आप इसे मावा कहें या खोया कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसे हम बोल में डाल लेंगे। तो अब इसमें हम मिक्स करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो सबसे पहले मैंने डाला है इसमें पिस्ता बारीक कटा हुआ, बादाम ये भी बारीक कटा हुआ, काजू और किशमिश। और इसमें अब डालेंगे इलायची पाउडर 1/3 चम्मच और शुगर पाउडर 2 बड़ा चम्मच। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी का जो पाउडर है वो आप अपने अनुसार डालें। तो ये देखिए, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें आप चीनी की जगह पे चीनी को पीसकर ही डालें, चीनी का पाउडर बना लें, उसके बाद इसमें मिक्स करें। तो ये फिलिंग तैयार है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। अब इस डो से हम लोई बना लेंगे। तो जितना बड़ा रोटी बनाने के लिए लोई हम लेते हैं, लगभग उतना ही बड़ा या उससे हल्का बड़ा आप ले सकते हैं। तो ये डो को मैंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये देखिए, अब इसे हम अच्छे से पूरा गोल कर लेंगे। सभी लोई को हम इसी तरह से गोल कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसे बेलने। तो चकला पे बिना मैदा लगाए हम इसे बेलेंगे। मैदा इस पे ऊपर से ना डालें। सूखा आटा इसमें हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, बस इसी तरह से चकला घुमाते हुए हम इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने बड़े साइज़ का बेल लिया है। तो अब गिलास की मदद से हम इसे काट लेंगे ताकि चंद्रकला हमारा सभी एक ही साइज़ का बने। तो इसमें से 3 पूरियाँ बनकर तैयार हुई है मेरी। तो ये देखिए, मैं दिखाती हूँ इसे, ना तो ज़्यादा मोटा रखना है ना तो ज़्यादा पतला। ये 4 पूरियाँ ले लिया है मैंने। तो इसमें हम डालेंगे ये मावा वाला फिलिंग को जिसे हमने बनाया था। तो मावा ना तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा भरना है ना तो काफ़ी कम भरना है। अब पूरी के साइड से हम पानी लगा देंगे। तो दोनों पूरियों में हम पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। तो इसके ऊपर से 1 पूरी हम लगाएंगे इस तरह से और इसे अच्छे से सील कर देंगे ताकि ये फटे ना। तो इसमें मावा काफ़ी ज़्यादा ना डालें, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो ये चंद्रकला फट सकता है फ्राई करते वक्त। तो ये इस तरह से हम इसे अच्छे से दबा देंगे। तो साइड्स को मैंने थोड़ा पतला कर दिया है। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, पहले पिंच करेंगे फिर इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे। तो इसी तरह से हम इसे पिंच करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे।
तो इसका डिज़ाइन खुद बनते चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, हमें इसे पिंच करना है, फोल्ड करना है, पिंच करना है, फोल्ड करना है। तो इसी तरह से चंद्रकला के साइड्स को हम मोड़ देंगे, डिज़ाइन बना देंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। सारे चंद्रकला को हम इसी तरह से बना लेंगे। तो अब हम चलते हैं इसे फ्राई करने। तेल पहले से गरम करने के लिए रख दिया था मैंने, तो हल्के गरम तेल में हम चंद्रकला को डालेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे हम इसे आराम से धीरे धीरे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में 12 से 15 मिनट लग सकता है। एकदम हल्के गरम तेल में ही आप इसे डालें, ये ध्यान रहे, वरना अगर आप ज़्यादा गरम तेल में इसे डाल देंगे तो इसका कलर ऊपर से तो डार्क हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा और ऊपर से बबल्स भी आ जाएगा। इसलिए आप एकदम हल्के गरम तेल में रखें, और जब ये खुद से ऊपर आ जाए तभी आप इसे पलटें। ये देखिए, ये खुद से ऊपर आ गया है, तभी हम इसे पलटेंगे और उलट पलट के हम इसे गोल्डन ब्राउन आने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, इसका कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन का हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो इतना ही कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए, चंद्रकला फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम चलते हैं इसे चाशनी में डिप करने। तो इस चंद्रकला को हम चाशनी में डाल देंगे। चाशनी बिल्कुल ठंडा हो चुका है और चंद्रकला गर्म है, तो ठंडे चाशनी में ही हम इसे डालेंगे। इसके ऊपर से भी हम चाशनी को अच्छे से डाल देंगे। तो ये देखिए, चाशनी में मैंने अच्छे से इसे डिप कर लिया है। तो अब इस चंद्रकला को हम निकाल लेंगे दूसरे प्लेट में। चंद्रकला को चाशनी में डालकर निकाल लें, चाशनी में छोड़े ना, बस चाशनी में डिप करना है और हमें इसे निकाल लेना है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इस दिवाली इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी फॉलो करके बनाएं, आपकी रेसिपी काफ़ी अच्छी बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। बाय।